गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब कैश फ्लो के हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक बार प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। एबीसी लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। हमें दे रखी है कैपिटल, रिटेन अर्निंग का मतलब P&L है, डिबेंचर्स करंट लाइबिलिटीज हैं। इसके बाद यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेब्ट दे रखा है, करंट एसेट्स दे रखी हैं, कैश दे रखा है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, इन्वेंट्रीज हैं एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन हमारा 22,40,000 है। डेप्रिसिएशन डेटर्स ऑफ द 2,30,000 टू बी वर्थलेस एंड आर रिटन ऑफ अगेंस्ट द प्रोविजन। एबीसी लिमिटेड डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ ₹12,00,000 फॉर द ईयर एंडेड 2014-15। तो फ्रेंड्स, इसमें जो एक तो आपका डेटर वाला कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, यस। और इसके साथ साथ आपके प्रोविजन फॉर डेब्ट के कंसेप्ट इसमें बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। मैं इसको एक अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ, कंसेप्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझिएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे एबीसी लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। यहां पर लिखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड यहाँ आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बाद ये आ जाएगा हमारा नेट इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इंक्रीज डिक्रीज होगा वो हम लिख देंगे। ऐड करेंगे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, बचेगा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, ठीक है। इसके साथ अब हमें P&L एडजस्टमेंट P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना होता है, जिससे हम प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर फिक्स एसेट्स जो दे रखे हैं प्लांट एंड मशीनरी वो एक्यूमुलेटेड डेब्ट के साथ दी हुई हैं, इसलिए हमें एक ये दो अकाउंट्स और बनाने होंगे। और नहीं भी बनाए तो चलेगा, क्योंकि यहाँ कोई एसेट्स बेच तो रहे नहीं हम लोग, ठीक है जी।
डेटर्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाली एडजस्टमेंट के बारे में हम लोग अभी समझेंगे अच्छी तरह से. ओके, सो कैपिटल, अब देखिए एक तरह से कैपिटल कितनी है हमारी, 50 लाख, तो 50 से 50 है, कोई चेंज नहीं है. रिटेन्ड अर्निंग है, उसको हम P&L एडजस्टमेंट में लिख देंगे. ओपनिंग बैलेंस हमारा है कितना रिटेन अर्निंग का, 26,50,000, और क्लोजिंग बैलेंस हमारा है 36,90,000. ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि डेप्रिसिएशन हमारा 1,80,000 का है. यहाँ देखिए, अगर ये लिखा भी नहीं हो, अगर ये नहीं लिखा होता मान लीजिए, तो आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में देखिए क्या चेंज आ रहा है, 6,10,000 से 7,90,000 हो रहा है. इसका मतलब यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि आपका ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितना किया है. तो डेप्रिसिएशन हमारा 1,80,000 हो गया. इसके बाद क्वेश्चन में नीचे थर्ड पॉइंट पे लिखा है कि कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो 12,00,000 रुपए का किया है. तो जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो 12,00,000 का हुआ है. इससे आप एक डिविडेंड अकाउंट बना दें या डिविडेंड पेबल अकाउंट जो दिया है वो बना लें. छोटा सा बनेगा, आपका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कितना है ओपनिंग बैलेंस देखो, डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000, क्लोजिंग बैलेंस है 3,00,000. डिविडेंड डिक्लेयर जो हुआ है वो 12,00,000 हुआ है. इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर है 10,50,000 की, ये डिविडेंड पेड है, हमने डिविडेंड पे किया है 10,50,000 का. ठीक है, तो ये 10,50,000 हमारा आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, डिविडेंड पेड 10,50,000. ठीक है, यस. अब आप डिवेंचर गौर से देखिए, तीसरा लाइन आइटम है, पहले कुछ नहीं थे फिर 9,00,000 हो गए. तो डिवेंचर हमारा 9,00,000 के इशू हुआ तो इनफ्लो आएगा. क्रेडिटर बैंक लोन, अगर आप बैंक लोन को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ मानते हैं तो फिर बैंक लोन आपने आपका इंक्रीज हुआ है कितने से, पहले 1,50,000 था फिर 3,00,000 हो गया. तो 1,50,000 से आपका बैंक लोन से इनफ्लो आ गया. ठीक है, अब आप लायबिलिटी साइड में देखिए, आपके पास सिर्फ दो आइटम बचे हैं, क्रेडिटर एंड लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस. ये दोनों आइटम आपके वर्किंग कैपिटल में आ जाएंगे. ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी में पहले थी 27,30,000 और इसके बाद हो गई 40,70,000. इसका मतलब है प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदी है, तो प्लांट एंड मशीनरी जो हमने परचेज की है वो कॉस्ट अकाउंट के डिफरेंस, जो कॉस्ट मतलब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में जो डिफरेंस आ रहा है उससे आ जाएगा. इसके बाद डेटर्स का इम्पैक्ट मैं अभी बताता हूँ. कैश एंड कैश बैलेंस जो है 15,20,000 की हमारी ओपनिंग है, 18,20 की क्लोजिंग है. तो
तो ये ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ लिख दें 15,20,000, ठीक है, ओके। अब जो डेटर वाला इम्पैक्ट है उसके दो तरीके हैं, एक तो कुछ भी ना करें और सिर्फ ये 22,40,000 और 26,40,000 इनका जो इंक्रीज है उसको हम दिखा दें, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि 22,40,000 और 26,40,000 को हम दिखा दें। दूसरा तरीका ये है कि हम इनका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और डेटर्स का पूरे इम्पैक्ट को वर्किंग करके दिखाएं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप कुछ ना करके सिर्फ नेट इंक्रीज करके दिखा दें 22,40,000 और 26,40,000। मैं आपको दोनों इम्पैक्ट दिखाऊंगा अभी, ठीक है। चल सो अब आप ये देखिए कि आपका P&L के बैलेंस से कितना आ रहा है इम्पैक्ट। P&L में P&L का इसका टोटल करेंगे इस तरफ का तो ये आएगा 36,90,000 50,70,000 तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी 24,20,000। ये हमारी आ गई कैश फ्रॉम ऑपरेशन और इसी को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारी कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। इसके बाद ऐड करेंगे हम करंट एसेट्स इन डिक्रीज और करंट लायबिलिटीज इंक्रीज और लेस करेंगे करंट एसेट्स इंक्रीज करंट लायबिलिटीज डिक्रीज, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। जैसे डेटर का इम्पैक्ट हम दिखा रहे हैं कि 22,40,000 से 26,40,000 हो गया, 22,40,000 से हमने 26,40,000 किया तो टोटल कितना 4,00,000 का इंक्रीज हुआ। तो डेटर में इंक्रीज हम नेट लेके चल रहे हैं कितने का, 4,00,000 का, ठीक है। चलिए इसके बाद इन्वेंट्री जो हैं वो हमारी 20,10,000 से 19,20,000 हो गई हैं। इसका मतलब है 90,000 की हमारी इन्वेंट्रीज कम हुई हैं। और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे 90,000 से 1,20,000 हो गए, यानी कि 30,000 के हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ गए, ठीक है जी। अब आ जाएं सर, क्रेडिटर हमारे 8,80,000 से 8,20,000 हो गए। इसका मतलब है 60,000 के हमारे क्रेडिटर कम हुए हैं। और लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस 3,30,000 से 2,70,000 हुई है। तो लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस ये हमारी 2,70,000 हुई है, ठीक है। नहीं 2,70,000 नहीं, 3,30,000 से 2,70,000 हो रही है, इसका मतलब 60,000 रुपये की ही डिक्रीज है। चलिए इनके इम्पैक्ट को ले लें जरा, इसमें ये प्लस करना है तो ये हो जाएगा 25,10,000 ये हमारा आएगा 19,60,000, ठीक है। ये हमारा है
नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से इनकम टैक्स पेड फॉर्मेट तो हम दिखाएंगे, तो ये 19,60,000 ये हमारा होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव है 13,40,000, तो ये होगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, और ये हमारा इम्पैक्ट नील है, तो इसका जो नेट इम्पैक्ट आएगा वो 6,20,000 आएगा। ठीक है जी, नेट चेंज जो आया वो 6,20,000 आएगा। अब फ्रेंड्स ये देखिए, कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये दोनों ही किसके पार्ट हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। तो यहाँ पर जो हमने 15,20,000 लिखा था वो 15,20,000 ऐसे होगा, 15,20,000 प्लस 11,80,000 ये हो जाएगा हमारा 27,00,000। ठीक है जी, और ये होगा 18,20,000 प्लस 15,00,000, तो ये होगा 33,20,000। आप गौर से देख पा रहे होंगे, 6,20,000 प्लस 27,00,000 33,20,000। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब मैं आपको थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ये 4,00,000 रुपये जो हमारे डेटर को हमने नेटिंग करके किया था, अगर हम इसको कंप्लीट करते करते तो कैसे होता, ये मैं सिर्फ आपको एडिशनल नॉलेज देने के लिए कर रहा हूँ, कोई पर्पज नहीं है आपको क्वेश्चन में कोई इसका इम्पैक्ट नहीं लेगा। ठीक है जी, चलिए, अगर हम डेटर को एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते दोनों करते तब क्या होता, तो हम एक तो डेटर अकाउंट बनाते, ठीक है, और एक बनाते हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है, अब डेटर की ओपनिंग, यहां पे डेटर की ओपनिंग बैलेंस कितना है, डेटर का ओपनिंग है 23,90,000, तो यहाँ पर हम 23,90,000 लिखते, और क्लोजिंग बैलेंस है कितना, 28,30,000। प्रोविजन की जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है, 1,50,000, और क्लोजिंग बैलेंस है वो 1,90,000। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2,30,000 के बैड डेट्स हो गए हैं, मतलब ये बैड डेट्स हैं, तो ये जो बैड डेट्स हैं इन्होंने कहा हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इट इनको राइट ऑफ कर दिया। ठीक है जी, तो अब हमारे इस तरफ का टोटल कितना हो गया, ये हो गया 30,60,000,
30,60,000, तो बैलेंस है 6,70,000। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये होंगे जो डेटर्स हमारे इंक्रीज हुए, और इस तरफ का टोटल है 4,20,000। 4,20,000, तो बैलेंसिंग फिगर आएगी 2,70,000। ये हमारा क्या होगा, जो प्रोविज़न हमने बनाया है। अब जब हम प्रोविज़न बनाएंगे तो प्रोविज़न कहाँ जाएगा हमारा, प्रोविज़न जाएगा हमारे पी एंड एल एडजस्टमेंट में। देखो यहाँ पे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 2,70,000 रुपये लिखेंगे किसके, कि हमारा प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हमने बनाया था। इससे क्या होगा कि ये अमाउंट 2,70,000 से बढ़ जाएगी, तो कुल मिला के जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें 2,70,000 बढ़ जाएगा। और जब हम डेटर के इंक्रीज को करेंगे तो उसमें हम कितने दिखाएंगे, 6,70,000। तो जब डेटर के इंक्रीज माइनस करेंगे और कैश फ्लो में कैश फ्रॉम ऑपरेशन 2,70,000 से प्लस हो जाएगा, तो नेट चेंज कितना आएगा, 4,00,000। और वही हमारे इसमें हमने डायरेक्ट किया है, ठीक है। तो इसका हम पीटीआर लिख देते हैं, इसको रिमेंबर रखें, 0.2 रिमेंबर, ध्यान रखने वाला पॉइंट है। क्या है, इन केस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स गिवन इन बैलेंस शीट, देन वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट इंक्रीज और डिक्रीज इन डेटर फ्रॉम नेट फिगर और वी कैन प्रिपेयर डेटर एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट एंड कैलकुलेट इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंगली। तो अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और डेटर अकाउंट बनाओगे तो जितने भी बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हुए हैं वो ऐसे मूव कर जाएंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारे पी एंड एल में प्रोविजन बनाने वाली एंट्री बनेगी, और डेटर का जो बैलेंस है वो डेटर का इंक्रीज आएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। थैंक यू वेरी मच।